गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस देयर कलर एंड व्हेन पुट इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which changes their color, substances which changes their color, which changes their color when put in acidic or basic solution, या when added to acidic or basic solution, acidic or basic solution। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपना कलर चेंज कर देते हैं। एसिडिक में उनका कलर कुछ और होगा, बेसिक के अंदर कलर कुछ और हो जाएगा। तो वो सब्सटेंसेस हमें आइडेंटिफाई करने में इजी होते हैं कि पर्टिकुलर चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो आप कह सकते हो कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस भी हैं जो बताते हैं कि एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा मटीरियल है। कई बार इंडिकेटर्स अपने कलर चेंज नहीं करते हैं, तो वो सब्सटेंस कौन सा हुआ? वो न्यूट्रल सब्सटेंस हुआ। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ इंडिकेटर द सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रल। द इंडिकेटर The substances are said to be neutral. तो वो substances कौन से होते हैं? Neutral कहलाते हैं। देखिए, कोई भी substance acidic या basic हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। कई substances ना acidic होते हैं ना basic होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Neutral कहते हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस जो कोई कलर चेंज नहीं कर रहे हैं एसिडिक और बेसिक के साथ में, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये हम आज पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो अभी तक हमने ये समझा कि इंडिकेटर्स क्या है, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर दे। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की। तो बच्चों, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज के अलावा जहां लैबोरेटरीज के अंदर जो आप बनाते हो उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर द इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज से, कोई प्लांट से, कोई प्लांट सोर्स या जो भी है उससे जो हमें इंडिकेटर्स मिलता है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। इसमें हम दो एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे बच्चों। सबसे पहला है चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। चाइना रोज जो है एक फ्लावर है ना, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर एज अ इंडिकेटर। देखिए, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में अलग कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन के साथ में वो अलग कलर देगा। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक। देखिए, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में बच्चों रेड कलर देता है। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो चाइना रोज ने आपने उसमें डाला तो वो सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर आप चाइना रोज डालते हो तो उसका कलर येलो हो जाएगा। अब येलो मार्कर तो है नहीं, कैमरा थी विद ब्लू पेन, तो वो येलो हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करें? सपोज करो मैंने ये एक सॉल्यूशन लिया। ओके बच्चों, ये एक टेस्ट ट्यूब ए है एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब बी। ये दो टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कोई ना कोई सॉल्यूशन है। आई डोंट नो कि किसमें एसिडिक है किसमें बेसिक है। तो मैंने क्या किया, आई एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज एक्सट्रैक्ट टू टेस्ट ट्यूब ए। और जैसे ही टेस्ट ट्यूब ए में चाइना रोज एक्सट्रैक्ट डाला कुछ ड्रॉप,
तो इसका कलर हो गया येलो, जो सॉल्यूशन था वो येलो हो गया। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि चाइना रोज एक्सट्रैक्ट येलो कलर दे देता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ में। अब मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी चाइना रोज एक्सट्रैक्ट की कुछ ड्रॉप्स डाली और ये सॉल्यूशन हो गया रेड कलर का। इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब बी में सॉल्यूशन था वो कैसा है? वो एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो ये तो हुआ एक नेचुरल व्हाट यू से इंडिकेटर व्हिच इज चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। हम बात करते हैं दूसरे नेचुरल इंडिकेटर की, जो कि है लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस जो होता है बच्चों, दो तरह से आपको अवेलेबल होता है। एक होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है लिटमस सॉल्यूशन। लाइकेन जो होता है, जैसे हम लिचन भी बोलते हैं, ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्लांट्स, बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ये हम लोगों ने चैप्टर वन में भी पढ़ा था कि लिचन जो होते हैं वो फंजाई और एल्गी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और उसी को हम यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिचन को ड्राई कर लिया जाता है और उसके पेपर, अगर उसका सॉल्यूशन बना लिया तो इट बिकम्स लिटमस सॉल्यूशन, और अगर उसको पेपर फॉर्म में ले लिया, आपने उसका एक पेपर पे लगा लिया उसको, तो बन जाता है आपका लिटमस पेपर। तो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर जो है वो भी अलग अलग कलर्स देते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक। लिटमस पेपर हमें दो कलर में मिलता है, एक रेड और एक ब्लू। तो आप देखिए जो लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कलर देता है। अगर हमारे पास में रेड लिटमस है, इफ वी हैव रेड लिटमस, ये मेरे पास में रेड लिटमस है, रेड कलर का लिटमस पेपर है, और एक हमारे पास में है ब्लू कलर का लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर है। दो तरह के लिटमस पेपर हैं, आप लैब में जाएंगे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप देख लोगे उसको, है ना। तो अगर मैंने रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड ही रहता है। रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालने पर वो रेड ही रहता है, और बेसिक में डालने पर वो ब्लू बन जाता है। बेसिक में डालने पर क्या हो गया? ब्लू, ठीक है। और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू जो है वो ब्लू ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक। लिटमस पेपर आप बहुत इजीली आप उसको टेस्ट कर सकते हो। आप अगर लिटमस पेपर, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हो और उसको अगर आप अपने टूथपेस्ट के ऊपर रखते हो तो वो ब्लू ही रहेगा, उसका कलर नहीं बदलेगा। और उसी ब्लू लिटमस को अगर आपने लेमन एक्सट्रैक्ट के ऊपर रख दिया, लेमन एक्सट्रैक्ट पे भी मत रखो, मैं कहती हूँ एक लेमन को कट करो स्लाइस, उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर रखो, वो रेड हो जाएगा। तो क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। तो आपको पता चल गया ब्लू लिटमस रेड में बदल गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है? ये एसिडिक है। और ब्लू का कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? वो बेसिक है। ऐसे आप रेड लिटमस पेपर को भी यूज कर सकते हो, ओके। तो ये लिटमस पेपर के, ये हमारा सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस पेपर, ये बहुत कॉमनली यूज होता है बच्चों। इसके बाद में जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। दो तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल्स या केमिकल सोर्सेज से मिलते हैं। आप लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स को यूज करके सिंथेटिक इंडिकेटर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर है बच्चों। एक छोटी सी टेबल बनाते हैं हम, उसमें एक है आपका फिनॉल एप्थलीन, नॉप्थलीन बोलते हैं इसको, स्पेलिंग लर्न कराने के लिए मैं फिनॉल ऑप्थलीन बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए इसका नाम होता है फिनॉल नॉप्थलीन, TH A L E I N, फिनॉप्थलीन। और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज, इसका नाम तो याद करना आसान है, फिनॉप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ओके। चलिए, तो जो फिनॉप्थलीन है
एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीन तरह के सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या कलर देता है हम ये देखेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि न्यूट्रल में उसका कलर क्या रहेगा। फिनोफ्थलीन जो होता है बच्चों वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस रहता है, एसिडिक के अंदर ये कलरलेस रहता है, ठीक है। इसका जो खुद का कलर होता है फिनोफ्थलीन का वो कलरलेस रहेगा, बेसिक के अंदर ये पिंक कलर का हो जाता है और न्यूट्रल के अंदर अगेन ये कलरलेस रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये अगेन कलरलेस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऑरेंज कलर का रहता है, बेसिक के अंदर वो येलो कलर का हो जाता है और न्यूट्रल के अंदर अगेन कलरलेस रहता है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो ये आपके इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़े, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है बिकॉज दीज विल कम इन योर क्लास 10 ऑल्सो, सो आप अभी से उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना शुरू करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस।